और जी कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना। ओके तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक ये है, सेक्स करने का सही उम्र क्या होता है, यानी कि सेक्स करने का एग्जैक्टली एज क्या होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, लड़का लड़की दोनों के लिए वीडियो है। और हाँ, इस वीडियो को आप जनरल नॉलेज की तरह लें, गंदे नज़र से इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है कि सेक्स करने का सही एज क्या होता है। सबसे पहले तो सरकार ने ये रखा हुआ है कि आप लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और ये अगर टीनएजर्स देख रहे हैं, ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए ये बात मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली कोई छोटा बच्चा किड्स तो बिल्कुल नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो पे अलाउ ही नहीं करती हूँ कि छोटे बच्चे, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इस वीडियो को देखें। ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, नॉलेज होना चाहिए। तो सरकार ने भी इस चीज़ को अलाउ कर रखा है कि हाँ, जो हम शादी के बंधन में बनते हैं, क्यों बनते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि पूरा दो समाज मिलकर दो लोगों की शादी करवाता है, क्योंकि उनका वंश बढ़े, ये सृष्टि का विकास हो, ऑब्वियसली बच्चे पैदा हों, ये हो, इसलिए मतलब कि शादी एक बंधन को, दो रिश्तों को बांधा जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, ये समाज के तौर पे हो जाता है। तो सरकार ने ये रखा हुआ है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होना चाहिए। अब बाद में क्या हुआ ना कि 21 साल की लड़की 24 साल का लड़का हो गया, लेकिन अभी भी 18 साल के बाद लड़कियों की शादी कर देते हैं बहुत सारे, उससे भी कम भी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्टली सरकार अलाउ करती है कि इतने टाइम पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़का और लड़की, उनमें समझ आ जाती है हर चीज़ को समझने की, क्योंकि 18 साल के बाद भी आप वोट डाल सकते हैं, ये बात तो पता ही होगी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एज क्या होता है। बहुत सारे आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, बचपन की गलतियाँ, वो लड़का लड़की दोनों के लिए, ज़्यादातर मैं ये लड़कों को कहना चाहूँगी, बचपन की गलतियाँ। तो बचपन की गलतियों के लिए बहुत सारी गलतियाँ वो कर देते हैं, लेकिन अभी यहाँ बात हो रही है सेक्स की, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लड़कों की एज है, पहले हम लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों की एज 16 से 17 साल होना चाहिए, उसका भी रीज़न बताऊंगी। और लड़कियों की एज होनी चाहिए कम से कम, इनका भी 16 साल अबव होना चाहिए या 15 साल होना चाहिए, कम से कम 15 के बाद ही आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप ऐसे भी कहीं कर लेते हैं, या फिर जो ये देख रहे हैं टीनएजर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कम एज में कर लेते हो, पहली बात तो जो 16-17 एज होता है उस टाइम आपका ये विकास होने लग जाता है, लड़कों में भी विकास होने लग जाता है, जो आपके स्पर्म वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ है, ये आपका एक मतलब विकास होने लग जाता है कि आप सेक्स कर सकते हो। लड़कियों में भी बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह चेंज होने लग जाते हैं, तो ये टाइम हो जाता है कि आप सेक्स कर सकते हो। लेकिन ये इतना प्रॉपर ठीक नहीं है, क्यों? अगर आप इससे पहले कर लेते हो तो इससे होता ही है ना कि, या इस एज में कर लेते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जो आगे चल के बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, चाहे लड़का या लड़की आगे चल के इलाज करवाते हैं, उनको प्रॉब्लम को फेस करना होता है। सभी के साथ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं कि कम उम्र में, जैसे कि 13-14-15 साल की उम्र में वो सेक्स कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें डॉक्टर के चक्कर काटते होते हैं, या इन कंडीशन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो इसलिए जो एज आप लोगों के लिए बनाया गया है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो आप जब टीनएजर से अबव हो जाओ तभी आप लोगों को सेक्स करना चाहिए। अगर फिर भी करते हैं तो कम से कम 16 साल का वेट कर लो, अगर उससे पहले भी आपने कर लिया तो गलती सुधार लो, सुधर जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, और उस चीज़ को लेकर फिर आपको आगे चल के इन फ्यूचर दिक्कत आए, उससे अच्छा अभी सुधर जाओ आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली एज क्या होता है। जो हमारे बॉडी का अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या जो भी बदलाव होते हैं, वो लड़कों में 21 साल के बाद और लड़कियों का 18 साल के बाद सरकार ने रखा है, तो उसको सोच समझ के ही रखा होगा। और वैसे भी फिर भी 15-16 के बाद आप, होता है कि हाँ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ना करो तो ज़्यादा बेटर है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ओके, बाकी वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छे टॉपिक पे, कोई अच्छी टॉपिक पे। ओके, बाय बाय।